इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मोहन यादव के शपथ ग्रहण से पहले शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी सामने आया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि और अब विदा। जी हां, उन्होंने कहा कि देखिए, चौहान ने कहा कि और अब विदा, ये तीन शब्द उन्होंने लिखे हैं। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। सब पर भगवान कृपा की वर्षा करते रहे। आज 11:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत, गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। तो फिलहाल आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, लेकिन इस बीच एक इन्फॉर्मेशन वॉल पर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये जानना और समझना जरूरी है चर्चा से पहले कि चुनावी वादों का असर मध्य प्रदेश की सरकार के बजट पर आखिर कितना पड़ने वाला है। तो बजट के लिहाज से भी अगर देखें तो सबसे पहले आंकड़े आपके सामने रखते हैं सालाना खर्च के, जो कि बताया जाता है 30,187 करोड़ का है। हालांकि इसमें से अगर हम देखें तो राज्य जो बजट का है और उसका जो कुल रेवेन्यू है उसके आधार पर जो योजनाओं के तहत जनता से अब वादे किए गए हैं उसके लिहाज से शुभम, एक क्विक रिएक्शन में आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से नई सरकार नए वादों के साथ नई योजनाओं के साथ अब जनता के बीच जाने वाली है, किस तरीके की किसकी क्या भूमिका रहेगी, मंत्रिमंडल को देखते हुए क्या बड़े फैसले होंगे, इस बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल बजट की जहां तक हम राज्य सरकार के बजट की बात कर रहे हैं उसमें ये महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से उन्हीं योजनाओं में फोकस महिलाओं पर खास तौर पर करते हुए खास बजट तैयार किया गया था। देखिए बिल्कुल सुरभि, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो हमने हमेशा ही देखा है कि वित्तीय स्थिति को लेकर कितनी चर्चा रही है। कांग्रेस तो हमेशा से बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रही और ये कहा कि देखिए दिग्विजय सिंह 23,000 करोड़ पर मध्य प्रदेश को छोड़ के गए थे कर्ज पर और अब ये 4,00,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर आप बीते 6 महीने की बात करें तो 45 से 50 हज़ार करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पर और भी बढ़ा है, यानी कि ये 3,45,000 करोड़ के करीब तक जो अब 3,90,000 करोड़ पर जा पहुँचा है। और ऐसे में जो लाडली बहना योजना चल रही है जिसमें 1,250 रुपये प्रति माह 1,31,00,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, इसे बढ़कर सरकार ने दावा किया कि हम 3,000 रुपये तक लेकर जाएंगे, तो अपने आप में सबसे बड़ा बजट अगर कहीं पर सरकार का जा रहा है तो वो यहीं पर जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसी बड़ी, जो अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे बीजेपी का भी, तो कई चीज़ें उसमें उन्होंने कही है। स्कूटी तक की बात ये थी, 6 महीने पहले हमने देखा था कि स्कूटी बांटी गई, किसानों को जो है 6,000 रुपये मध्य प्रदेश सालाना दे रहा है, जो केंद्र 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देता है उसका अपने आप में एक अलग से बजट है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो अब नई सरकार के सामने नई चुनौती के रूप में सामने आने जा रही है। और आप देखिए कि जो पेट्रोल की बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि मध्य देश के कई राज्य बीजेपी के ऐसे हैं जहां पर 100 रुपये से कम में पेट्रोल मिल रहा है, मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर 108 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, यानी टैक्स वेट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भले ही प्रधानमंत्री बोल के गए उसके बावजूद भी सरकार पेट्रोल के दाम कम नहीं कर पाई। अगर चाहती तो चुनाव में इसका फ़ायदा बीजेपी ले सकती थी, मगर उन्हें पता है कि हमें दूसरी भी कई योजनाएं हैं उसके लिए भी बजट चाहिए, उसके लिए टैक्स से वसूली तो चाहिए ही चाहिए, और इसी कारण से पेट्रोल और डीजल के दाम भी मध्य प्रदेश में कम नहीं हो पाए। 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले सरकार ने ज़रूर 3 से 5 रुपये पेट्रोल डीजल पर दाम कम किए थे, मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में तो आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल का कहीं से भी कोई जिक्र ही नहीं आया। यहाँ तक कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था 2018 का, उसमें उन्होंने कहा था कि 5 रुपये पेट्रोल पर और 3 रुपये डीजल पर। ये बड़ी माइन्यूट और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स शुभम आपने जिक्र किया है, इसीलिए प्रति महीना कितना उपहार नई सरकार की तरफ से मिलने वाला है ये तो हमारी स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन चुनावी वादों का असर मध्य प्रदेश की सरकार के बजट पर कितना होगा। मैं चाहूंगी हर्षवर्धन जी जरा आज आप इस पर भी मुझे जरा ज्वाइन करें, क्योंकि ये देखना और समझना जरूरी है। जहां मैं बात करती हूँ सालाना खर्च की, जो कि 30,187 करोड़ बताया जाता है, जबकि 1/10 ऑफ द राज्य का ये जो पूरा बजट है और 1/3 जो कि कुल इसके रेवेन्यू बताया जा रहा है। अगली ग्राफिक्स पर भी आइए, क्योंकि चुनावी वायदों में मेरे सहयोगी शुभम भी यही बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से योजनाओं को राज्य के रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान किए गए थे।
देखिए मुझे लगता है अभी सबसे बड़ी चुनौती जो अगला वित्त आयोग बनने वाला है उसके सामने होगी कि क्या इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, राज्यों को ग्रांट देने के लिए जो शर्तें तय की थी क्या उसमें कोई ढील देने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से स्टेट जीडीपी और डेट का रेशियो 30-40% के बीच में है, मध्य प्रदेश में 33% है, राजस्थान में 40% के ऊपर है, क्या इन राज्यों को कहीं से अलग से कमाई का कोई जरिया बनता दिख रहा है? और अगर नहीं बनेगा तो ये जो योजनाएं हैं, विशेष करके लाडली बहना या किसी को फ्री में फोन दे देना या किसी के खाते में पैसा डाल देना, वो कितना सस्टेन करेंगी और क्या इसको नरेंद्र मोदी बहुत लंबे समय तक चला पाएंगे? तो सरकार इसको कैसे रिप्लेस करेगी? क्योंकि आप सीधे सीधे अच्छा हर्षवर्धन जी देखिए इस बजट को लेकर एक मेरा भी सवाल है, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि तमाम जो वादे किए गए जाहिर सी बात है इसमें बजट बढ़ाना होगा, सब्सिडी पर जो खर्चा है वो भी बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा, तो क्या इसका जो भार अल्टीमेटली आम जनता पर भी पड़ेगा ये पहलू भी हमें छूना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर पड़ेगा और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है। और देखिए मध्य प्रदेश को अगर देखें तो मध्य प्रदेश की फिर भी साउंड इकोनॉमी ही इन कंपैरिजन टू राजस्थान, लेकिन राजस्थान की हालत तो बहुत ही खराब है क्योंकि अशोक गहलोत ने पिछले 4-4.5 सालों में जो कुछ नहीं किया था उसको 6 महीने में कवर करने की कोशिश की है, जबकि मध्य प्रदेश में ये योजनाएं पहले से चलती आ रही थी उसको सिर्फ एक्सटेंड किया। मैंने तभी ये सवाल किया था योजनाओं के तहत शिवराज सरकार के फैसले और आने वाले वक्त में नई सरकार, नए चेहरे, उसके फैसले क्या होते हैं, क्या ये एक बड़ी चुनौती है?